भाई जसवीर सिंह ने रोड़े उन्होंने दसिया कि विदेशों तो ही सिंह वक् वक् कंट्रिया चो अमेरिका कनेडा इंग्लैंड जर्मन फ्रांस वक् वक् थावां तों भाई हरमिंदर सिंह मिंटू निहंग सिंह के साथी उन्होंने प्यार करन वाले भाई जगदीश सिंह दीता के टीवी भाई अवतार सिंह खंडा और इस तरह जर्मन की धरती तो भाई प्रगट सिंह निजर रवैरो कान साथियां सुखेद भाई सुखदेव सिंह हेरा के गोल अज सारे विदेशों के भी सिंह उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट करते जिन्हें कौम लिए आप वाड़े है विचार बड़िया सरवण कीतिया ने बड़िया बड़बुलिया विचार ने प्यार सत्कार एकता इतफाक दल हो जो चाहिए जो होनिया चाहदिया ने गुरबाणी का वचन है हुए पत्र मिलो मेरे भाई दुख का दूर करो जो लाए हर नामा के हो जोड़ी गुरमुख वैष्णव सफा वसाए सतगुरु ग्रंथ साहब की पावन बाणी की गल हुई है श्री दसम ग्रंथ साहब की पावन बाणी की गल हुई है सिख इतिहास की गल हुई है बड़े विद्वान सज्जन बैठे है भाई सरबजीत सिंह जी जम्मू वह भी बैठे है भाई सरदयाल सिंह कानपुर होर बहुत सारे गुरमुख प्यारे अज उन्होंने शहीदों श्रद्धा के फुल भेट करने वाले ये सारे गुरमुख प्यारे धंधा के योग है गुरु प्यारे एकता इतफाक बहुत जरूरी है पर साडा दुखांत है कौम के अंदर मैं जितमुख तक देखता मेरे नालों ज्यादा ठंडे बरते गुरमुख बैठे है विद्वान बैठे है जिन्होंने सिख संघर्ष को पिंडे से हटाया कौम के अंदर जो भी कद एकता इतफाक की गल चलती सगो एक धड़ा होर बन जाता है जो सारिया जथेबंदियों को एक एक गुरमुख लैके असी कोई 11 मैंबरी कमेटी या 21 मैंबरी कमेटी या 15 मैंबरी कमेटी बना लेते हैं वो एक नवी जथेबंदी बन जाती है गल एकता की करनी पर एक नवा धड़ा बन जाता है पर जिन्हें गुरमुखों ने दसिया ये वक्री गल है धड़े जथेबंदियां 12 मिशनां की भी गल सी पर उन्होंने मिशनां की गल उन्होंने राज भाग सीगा इलाके सीगे जिहड़ियां 12 मिशनां की गल आपां करदे आ कि 12 मिशनां भी होंदियां सी पर उन्होंने तो कोई इलाके होंदे सन जिन्हां ते उन्हां दा कब्जा होंदा सी उन्हां दी हकूमत चलदी सी पर अज साडे कोल ऐसी गल नहीं है पर फिर भी 12 मिशनां नालों ज्यादा वड्डे पए आ पर जे फिर भी असीं किसी इक मिशन ते एक अकीदे से कटे हो जाइए जिमें 12 मिशन कट्ठिया हो के दिल्ली के लाल किले केसरी झंडा चढ़ा दिंदियां सन सारे कट्ठे हो जाते जो पंथ की कौम की गल होंगी अज भावे आपस में कोई भी गिरे छिटव्या की गल हो पर जिते शहीदों की गल आती है उत्थे सारे सिर जोड़ के बैठ जिते कौम की गल गुरु ग्रंथ पंथ की गल आती है उत्थे सारे सिर जोड़ के बैठन पर साडा दुखांत है गुरदास इस पासे भी गुरु नूं भी मंडण दीआं कोशिशां गुरुआं दी बाणी विच भगतां दी बाणी नूं मंडण दीआं कोशिशां शहीदां नूं मंडण दीआं कोशिशां मैं बेनती करां गुरमुखो कोई भी सिंघ किसे जथेबंदी च कम करदा है ओह उहनां चिर जथेबंदी च कौम लई पंथ लई ओह कम करदा है पर जदों ओह शहीद हो जांदा है जिन्ना चिर जिउंदा ओह जथेबंदी ना कह सकदी है ये साडी जथेबंदी दा सिंह आ तां जदों शहीद हो जांदा ओह कल्ला जथेबंदी दा धड़े दा नहीं रहिंदा कौम दा बन जांदा जिउंदिआं कम्म किसे जथेबंदी धड़े च करदा होवे पर जिहड़ा कौम लई आपा वारदा ओह शहीद कौम दा बणदा ते ओहदी शहादत ओहदी याद सानू सारिआं नूं सांझे तौर ते मनाउणी चाहीदी उस वेले ओह कोई धड़ेबंदी नहीं कोई पार्टी नहीं कोई जथेबंदी नहीं उस वेले कौमी शहीद है कौम वास्ते धर्म वास्ते शहीद होया सो सानू शहीदां दे नां ते भी वड्डियां भी पाउणियां चाहीदियां शहीदां दे पाए पूरनियां ते चलण दी कोशिश करनी जिस तरह गुरमुख प्यारे जिन्हां शहीदां दी याद विच जुड़ बैठे आ उन्हां ने कौम दे गलों गुलामी लाह के पूर्ण आजादी सिख राज दी स्थापती दे वास्ते उन्हां ने शहादत दा जाम पीता आओ सानू साडे शहीद साडे सतगुर
नीहां जे साहब जादे चमकौर दी गड़ी जे साहब जादे जलादा ते टोकियां ते आरियां उबल दियां देगा उबल दे साडे शहीद सानू उपदेश दे रहे हैं। किसे विद्वान ने आख्या पी के अमृत ते अमर ना हो सकियों दस खालसा पंथ दी कोई शान की है। जिवें जथेदार रोडे साहब ने रहणी दी गल कीती है ते साबत सूर धोणा खंडे बाटे दा अमर शक्त गुरु वाले बनना बहुत जरूरी है। रहत बिना मैं सिख कहावै रहत बिना दर जोटा खावै रहत बिना सब जग भरभाई रहत बिना नर नरके जाई मग रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाहि। त्यार पर त्यार होना साबत सूर धोणा नशियां तो रहत खंडे बाटे दा अमर शक्त गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते लड़ लगणा अपने धर्म च परपक दूजे धर्मां दा सत्कार गुरु ग्रंथ पाक नूं समर्पित होना पी के अमृत अमर ना हो सके दस खालसा पंथ दी तू शान की है। जेकर लड़ियो जीत जुझार भगो कलगियां वाले दी दस तू संतान की है। ओही जित दे बाजियां जागे अंदर जिहड़े जितण दी बाजियां हारदे ने संघर्षां च उतरा चढ़ा बणे रहिंदे आ। कई वारी गुरमुख प्यारे उहनां कदमां ते खड़े रहिणा कई बारी गुरमुख प्यारे नीति अनुसार दो चार कदम पिछां ही हटना पैंदा पर जदों गुरमुख प्यारे समा बने फिर पैदला बदल के दो चार कदम अगां वधण उतरा चढ़ा संघर्षां च बने रहिंदे आ। पर उही जित दे बाजियां जागे अंदर जिहड़े जितण दी बाजियां हारदे ने प्रेरणा लै के तुरना इस पासे। जिवें किसे राजे बारे आउंदा कि उह नौ वार जंग हारिया पर जिस वेले गुरमुख प्यारे हार के जो जाके एक गुफा च बैठ गया सामने वेखिया कि कीड़ा पत्थर ते चढ़दा जदों चढ़दा कदे अध विचाले डिग पैंदा कदे शुरू ते डिग पैंदा कदे नेड़े उपड़ के डिग पैंदा नौ बार अखां सामने डिगया पर जदों दसवीं बार चढ़िया ते उस पत्थर दे उत्ते चढ़ गया ते उसने सिखिया प्रेरणा लई। असीं किताबां च पढ़दे हां कि उन्हें प्रेरणा लई कि जिस तरह मैं नौ बार हारिया ते अज हौसला छड रहा जे कीड़ा हौसला छड जांदा नौ बार डिगण दे बाद कि दसवीं बारी इस पत्थर ते चढ़ नहीं सी सकदा उन्हें भी हौसला दिया कहिंदे बाहर आया प्रेरणा लई कि खिंडे मुंडे साथी इकट्ठे कीते ते जदों फिर उन्हें जंग लड़ी ते उन्हें मोर्चा फतेह कर लिया। उतरा चढ़ा बने रहिंदे आ कई बार इस तरह के हालात बन जाते हैं पर कौम की आजादी का संघर्ष जिवें गुरमुखां दस्सिया जा रही है जिस तों सेवा लैणी सतगुरां ने शहीदां ने आप कृपा करके आप अरदास करिए सतगुर के चरणों च कि सच्चे पातशाह कृपा करके जिहड़ी बनती सेवा लै सकदे हो आप कृपा करके लै लैणी क्योंकि मेरा मौजूदा किश नहीं मेरे च कोई ताकत नहीं है मेरा कोई इन्ना हौसला नहीं बल नहीं है तुसीं हौसला ते बल बख्शणा तुसीं कृपा करनी है ते आप सेवा लै लैणी उही जित दे बाजियां जाके अंदर जिहड़े जित्तण लई बाजियां हारदे ने उठ खालसा गुरां दे लाल तैनूं बाजां विच सरहद दे मारदे ने सरहद दीआं नीहां च जिहड़े जांदे साहिबजादे वी साडे लई प्रेरणा ने उहनां ने नीहां विच खड़िआं वी आख्या सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदकना जावे इस करके आओ अपने शहीदां नूं कदे विसारीए ना। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲ ਸੈਕਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੇ ਉਹ ਜੀਣਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਤਨ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇ ਫੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਤਖਤੋਂ ਨਾ ਤਾਜੋ ਨਾ ਹੂਰੋਂ ਕੀ ਹਸਰਤ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਖੁਦਾਈ ਦੇ ਤੋ ਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਿਜਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੀਰ ਝੁਕਾਓ ਸਾਰੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਬਾਂਧੀ ਨਾ ਰਹੇ ਆਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਤਨਾ ਕਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ
ਸੋ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ